हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनू, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है गाजर का हलवा। बहुत ही आसानी तरीके से डिलीशियस गाजर का हलवा मैं कैसे करके तैयार करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप जल्दी जल्दी से मेरे वीडियोज़ देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम कद्दूकस किया हुआ गाजर, दूध, चीनी, खोआ, किशमिश, काजू, पिस्ता बादाम और ये इलाच है और ये कंडेंस मिल्क है। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। कढ़ाई गरम करके आप इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर घी देकर बना सकते हैं। मैं घी नहीं दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा बटर दूंगी। अब इसमें ये गाजर डाल दूंगी। अब इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से गलने तक भूनना पड़ेगा। बीच बीच में इसे अच्छी तरह से हिलाते रहे, इसे ढकना नहीं है। आप देख सकते हो इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। अब इसमें हम दे देंगे ये दूध। दूध जब रिड्यूस हो जाए तब इसमें हम दे देंगे स्वाद अनुसार चीनी। और ये कंडेंस मिल्क। अब इसमें हम दे देंगे ये खोआ। तो ये गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो ये गाजर का हलवा अब तैयार है। देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप लोग जरूर घर में एक बार ट्राई करना और कैसा हुआ है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।